हाँ तो देखिए, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में आपको चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड स्टडी करना होता है, और ये स्टडी जो है आगे के जो इन्वेंशन होते रहते हैं किसी भी, मान लीजिए मेडिकल क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट के हो गए, या फिर साइंस के क्षेत्र में किसी और तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में एमआरआई वगैरह या फिर सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसमें इस चुंबकीय क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के सहायता से आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं, और हैंडल करने के साथ साथ आप उससे अच्छी चीज निकाल लेते हैं। तो सेम टू सेम जैसे पिछले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपको विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड स्टडी, और इसके बाद जो है ये आया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो डिनोटेशन होता है वो नॉर्मली बी वेक्टर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहने से किसका बोध होता है? तो इससे रिलेटेड सबसे पहले कोई ये बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब सीधे सीधे ध्यान किधर खींच रहा है? चुंबक की तरफ खींच रहा है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र बस चुंबक से प्रोड्यूस होता है? हाँ होता है। तो क्या बस चुंबक से ही प्रोड्यूस होगा, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं? तो इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक प्रयोग हुआ। वो प्रयोग किसने किया? तो वो प्रयोग जो है ओरेस्टेड साहब ने किया, और ये लगभग 1820 ईस्वी में किया गया। इसका मतलब ये है कि क्या इस 1820 से पहले ये चुंबकीय क्षेत्र था, या अगर था भी तो किस रूप में देखा जाता था? तो उससे पहले भी ये चुंबकीय क्षेत्र था और उसके बाद में भी था, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र पहले जो था वो बस मैग्नेट में देखा जाता था, किसमें? चुंबक में देखा जाता था, और विद्युत धारा के प्रवाह में इस तरह का क्षेत्र अभी कोई इससे पहले प्रिडिक्शन में नहीं आया था। इसके बाद में जब ये खोज हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, किस चीज का? इसका जो खोज हुआ वो ओरेस्टेड साहब ने किया, और उनका जो खोज है वो बड़ा ही आपको अचंभित कर देने वाला खोज था उस टाइम के दौर में। उसने देखा क्या कि किसी भी एक क्लोज्ड परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा था, ठीक है, इसको सबसे पहले की से कनेक्ट किया हुआ है। किससे? की से। की बोले तो कुंजी। यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अगर ये की ओपन है, खुला है, तो इसमें तो धारा नहीं जाएगा। आई का वैल्यू कितना होगा? जीरो। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है दिक्सूचक। क्या नाम है? दिक्सूचक। नाम तो सुना ही होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। सेम इसी परिपथ को, इसी सर्किट को एक बार ड्रॉ कीजिए, लेकिन अब इस बार हमको की को क्लोज करना है। क्या करना है? की को क्लोज करना है। क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये प्रतिरोध आर है तो इसमें करंट तो फ्लो होगा। जब करंट का कुछ वैल्यू आ गया, मान लेते हैं कि ये करंट जो हो गया I1 हो गया, इसी दीप सूचक को एक बार इस सर्किट के पास लाइए, फर्स्ट में, सेकेंड ऑफ सेकेंड यहां इसके पास लाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि इस वाले केस में इस दीप सूचक का जो सुई है जैसा था वैसा ही रहेगा,
लेकिन जब आप इस सर्किट के पास में आएंगे तो इसका जो सुई का नीडल का डिफ्लेक्शन है, विचलन है, वो यहां पर आपके शो करेगा कि हाँ कितना किधर विचलन हो रहा है। ये तो कंफर्म है कि ये यहां पर आकर अस्थिर नहीं रह पाएगा जैसे पहले था। इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेट साहब ने किया और ये पता लगा कि हाँ आप किसी भी आवेश का मूवमेंट कराएंगे किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि हाँ दिक सूचक जो है उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये डिफ्लेक्शन हर एक केस में सेम होगा? हर एक केस में सेम का मतलब कि अगर वोल्टेज अगर मान लेते हैं कि 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस को हम नियत कर दें, क्या कर दें? नियत बोले तो अगर 2 ओम है तो 2 ओम ही फिक्स कर दीजिए। 2 ओम अगर फिक्स कर देते हैं तब तो करंट का जो वैल्यू आएगा, अगर 4 वोल्ट पे लेंगे तो वो भी एक आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो जब वोल्टेज को आप एक फिक्स कर दीजिए और प्रतिरोध को एक फिक्स कर दीजिए, जब दोनों फिक्स हो गए तो करंट का कोई भी फिक्स वैल्यू आएगा। और अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इस सुई के जो डिफ्लेक्शन है, सुई का जो विचलन हो रहा था वो भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, जब सुई का विचलन बढ़ेगा घटेगा तब ये लगा कि हाँ इस तरह के परिपथ या मूविंग चार्ज के पास ले जाकर आप ये शो कर रहे हैं कि ये अजीब तरह का खोज है, ये एक अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट है। 1820 से पहले इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं देखा गया था। जब अरिस्टॉटल साहब की ये प्रायोगिक हुई, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तब ऐसा लगा कि हाँ इस तरह का डेरिवेशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का प्रयोग और अच्छे से करना चाहिए जिससे कि इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आ जाए, इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन आ जाए, इससे रिलेटेड कुछ और ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बन सके। तो अरिस्टॉटल ने यह देखा कितने में, 1820 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है कुछ पता चल रहा है? देखिए इसमें चार्ज का मूवमेंट होता है। थोड़ा सा अगर हम इसको अलग से कट करें, मान लीजिए इसका एकदम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट ये वाला है, इस छोटे से पार्ट का एनालिसिस करें तो इलेक्ट्रॉन तो इसे मूवमेंट कर रहा है, इसका वेलोसिटी किधर रहेगा? तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो दाएं बाएं तो ये समझिए कि ये तो बाहर तो जा नहीं सकता है, कंडक्टर में मूवमेंट करेगा, तो नेट इसका वेलोसिटी जो होगा वो ऊपर या नीचे के टर्म में होगा। इसका मतलब कि ये चार्ज का मूवमेंट अगर होगा तब क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज के गतिशीलता के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये क्षेत्र जो है एक खास रीजन में कुछ ज्यादा रहेगा और जब उस रीजन से दूर चलते जाएंगे इसका जो वैल्यू है वो घटता जाएगा। ठीक है, जैसे इसको यहां पर लाइए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा, यहां पर ले जाइए कम डिफ्लेक्शन करेगा, और दूर लेकर जाइए और भी कम डिफ्लेक्शन करेगा, और भी कम इसका विचलन होगा। तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में अध्ययन करना है। और अगर मान लीजिए कि चैप्टर तो बिल्कुल नया है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं, क्योंकि ऐसे ले लें कि अगर मान लीजिए कि किसी एग्जाम या फिर कंपटीशन वगैरह से इस तरह के क्वेश्चन भर के आते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं, नंबर भी देकर जाते हैं, तो देखिए ये किसी गतिशील आवेश के प्रवाह से
क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका जो डिलोकेशन होता है वो होता है क्षेत्र को बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का डिलोकेशन अगर बी वेक्टर है तो ऐसा लगेगा आपको कि क्या ये वेक्टर है तो इसके पास, अरे सदिश है तो इसके पास क्या रहेगा? दिशा भी रहेगा और साथ साथ में क्या रहेगा? परिमाण भी रहेगा। दिशा भी है और परिमाण भी है, ठीक है, दोनों तरह की ये राशियां हैं, दिशा भी है परिमाण भी है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि दिशा किधर है और परिमाण कितना है। जितना ज्यादा परिमाण रहेगा उतना ही ज्यादा उस दिक सूचक के सुई को विचलन करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में, किस एक्सपेरिमेंट में, आगे वाले एक्सपेरिमेंट में अगर कोई फोर्स लग रहा है, अरे पहले जगह सर्किट है, एक मिनट उसको ड्रॉ करते हैं कि है, इसको बंद कर देते हैं, ये प्रतिरोध है आर, धारा अगर मान लेते हैं कि आई वन है, बी है, प्लस है, तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन हुआ किसका? सुई का। तो अगर सुई का डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब क्या? इस पर तो कोई बल लग रहा होगा। इस बल को हम लिखते हैं, ये बल कितना लग रहा है? ये जो बल है वो लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कि एफ क्या है? एफ जो है बल है, फोर्स। इसके बाद ये क्या है? आवेश है, बोले तो चार्ज। ये जो है वेग है, बोले तो वेलोसिटी। इसके बाद ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है? इसका मतलब है कि सदिश गुणनफल होता है। क्या? जो फोर्स लग रहा है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल करने के लिए हमको उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र में जो बना हुआ कोण है उसको भी हमको जानना होगा कि उसमें उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या है। थीटा यदि थीटा जो है वेग और चुंबकीय क्षेत्र की बीच बनने वाला कोण है तो F इक्वल टू क्या होगा? इसको ब्रेक कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। मतलब F इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी साइन ऑफ थीटा। लेकिन अब जो है इसका बस मोड रहेगा, क्या रहेगा? मोड रहेगा। मोड बोले तो बस इसका परिमाण रहेगा, ठीक है। तो F का भी परिमाण होगा। जब F का परिमाण हो गया तो F इक्वल टू क्या होगा? Q V B साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये इतना परिमाण का बल लगेगा किस पे? उस दिक सूचक के सुई पर। अब अगर मान लेते हैं कि Q जो है वन कूलम है, अगर आवेश जो है वन कूलम है, यदि
आवेश इक्वल टू वन कूलम। आवेश वन कूलम है मतलब क्यू जो है कितना है वन कूलम। अगर वी जो है वन मीटर पर सेकेंड है ठीक है, और थीटा जो है 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वेलोसिटी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री। सबको इस इक्वेशन में पुट कीजिए f इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इक्वल टू यहां पर तो 1 है 1 इंटू वी जो है कितना 1 मीटर पर सेकंड इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री। f इक्वल टू कितना हो जाएगा ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 कितना हो जाएगा b के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर q 1 कूलम हो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थीटा 90 डिग्री हो तो जो बल का परिमाण होगा वो किसके परिमाण के इक्वल हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के इक्वल हो जाएगा ठीक है। अब इसका हम यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट को सबसे पहले निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए कितने टर्म है 1 2 3 4 5 फाइव टर्म में अगर हमको ये जानना है कि इसका यूनिट क्या है तो पांच टर्म में देखना है कि सबसे पहले वो एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। तो हाँ है किसी एक रिलेशन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब किसी एक रिलेशन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो पांच में से चार का क्या हम मात्रक जानते हैं। अगर चार का जानते होंगे तो पांचवा हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका तो होता है न्यूटन, इसका बल का, इसका आवेश का क्या होता है कूलम, वेलोसिटी है वेग है इसका मीटर पर सेकंड, इसका हमको निकालना है। लेकिन साइन थीटा का यूनिट कुछ होता नहीं है, यूनिटलेस होता है, वो जितना होगा उतना। अब देखिए इसका मात्रक निकालने के लिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। बल का तो न्यूटन हो गया जी, हो गया। आवेश का क्या हो गया कूलम, और बचा क्या है वेग, वेग का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड इंटू बी, हमको बी का निकालना है। सबको इसे ट्रांसफर के लिए एम अपॉन में ये कूलम हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मीटर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में हो जाएगा इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बी न्यूटन अपॉन में ये कूलम अपॉन में सेकंड कर सकते हैं इनटू मीटर, क्योंकि फिर से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा। अब याद कीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ना था क्या कि अगर q इक्वल टू होता है क्या i इनटू t, इसका कूलम इसका एम्पियर इसका क्या सेकंड, तो कूलम अपॉन में सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा एम्पियर। इसको यहां पे पुट कर दीजिए कहा n अपॉन में c अपॉन में इसके जगह पे क्या रखना है एम्पियर रखना है, एम्पियर इंटू मीटर इक्वल टू b ठीक है। b इक्वल टू क्या होगा ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या n अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर अपॉन में मीटर। अब देखिए न्यूटन मीटर को साफ कर लीजिए ठीक है, एम्पियर इंटू इसमें इस वाले मीटर में और इस वाले मीटर में मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 1/m2। अब न्यूटन मीटर पर एम्पियर को जो है बोलते हैं वेबर, क्या बोलते हैं वेबर ठीक है। वेबर हो गया, इसको इसमें पुट कर दिए वी इक्वल टू क्या हो गया वेबर अपॉन में ये मीटर को डिवाइड कर दीजिए मीटर इस पर ठीक है। मतलब जो बी का यूनिट आया वो क्या आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया। लिख लेते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया मतलब बी इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं टेस्ला, क्या बोलते हैं टेस्ला।
क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, जिसका जो नोटेशन होता है टी, डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, स्पेलिंग ये होता है डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, ठीक है। अब जो है एक टेस्ला जो है, वन टेस्ला जो होगा वन वेबर अपॉन में वन मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, वन टेस्ला जो होगा वो वन वेबर अपॉन में वन मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कितना होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, ये होगा टेस्ला ब्रैकेट में टी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि वन टेस्ला कितना वेबर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वन टेस्ला जो होता है वन वेबर प्रति वन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर कुछ क्वालिटी वगैरह में डिफॉल्ट हो, ठीक है, तो हम साथ साथ में बोल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड एक पीडीएफ है जो, अगर किसी को ये है कि नहीं हमको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जाकर अपना नंबर टेक्स्ट कर दें, ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद से ये एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आप फ्री हो जाएंगे, किसी तरह के क्वेश्चंस करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक, इसके बाद जो है वह है बायोट सेवर्ट का नियम, बायोट सेवर्ट लॉ। ये ऑस्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट के बाद का एक स्टेप है, और ये उसमें ये दिखाया गया है कि अगर बल लग रहा है तो बल जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, उसमें एक फैक्टर होता है चुंबकीय क्षेत्र, और बायोट सेवर्ट लॉ उसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैलकुलेशन करेगा और बताएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।